Alright, hey guys and what's everybody, it's the West back it again with a fresh video. So, आज किस वीडियो में डिस्कशन करेंगे भाई सेमेस्टर फोर्थ और सेमेस्टर सिक्स के बच्चों के रिजल्ट जो है वो अवेटेड है, तो वो कब तक आने वाले हैं अवेटेड रिजल्ट और कब तक बच्चों को अपने रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। तो सिंपल सी एक बात बताता हूँ, exam.du.ac.in अगर आप इस पर जाओगे तो आपको एक इवेल्युएशन का लिंक मिलता है। साइड में ये मैंने पोस्ट लगा रखी है, मतलब कि एक स्क्रीनशॉट लगा रखा है, आपको इस रिजल्ट पे जाओगे नोटिफिकेशन भी मिलते हैं। थोड़ा सा नीचे करोगे देखो इवेल्युएशन पे ऐसा सर्कल लगा हुआ है येलो या रेड रंग का, आप उस पर जब क्लिक करोगे ना तो SOLDU यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस में लिखा है कि अगर इवेल्युएशन में जो सब्जेक्ट लिखे जैसे MCOM हो गया, BCOM हो गया, BA हो गया, तो सबके जो कोर्सेज के रिजल्ट के टाइम है वो अलग अलग होते हैं। उसमें ये लिखा है कि आपके जो रिजल्ट हैं 15 दिन के अंदर आ जाएंगे, जब आपने रिजल्ट आपने एग्जाम दे दिया, एग्जाम देने के इस डेट से इस डेट के बीच में आपकी चेक हो जाएंगी और आपके रिजल्ट इस डेट के बाद आपको देखने को मिल जाएंगे। ये सारा मैं खुद नहीं कह रहा, ये उसमें लिखा है तो मैं आपको वो बता रहा हूँ फैक्ट, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके 6 सेमेस्टर के एग्जाम को कंप्लीट हुए कम से कम महीना भर से ऊपर हो गया और आपके रिजल्ट अब डिक्लेयर हो जाने चाहिए थे DU यूनिवर्सिटी के रूल्स के हिसाब से, मगर अगर ऐसा नहीं होता तो कहीं ना कहीं वो थोड़ी लापरवाही कर रहे हैं, ठीक है। अब सेकंड चीज, अब आपके रिजल्ट कब तक आएंगे, मेन चीज तो ये है ना, ये तो नहीं है कि आपके रिजल्ट अवेटेड है नहीं है। तो देखो आपके रिजल्ट देखने को कब तक मिल सकते हैं, तो बच्चे इतने ज्यादा हैं, आप लोगों को पता ही है कि पहले जो मोड था वो ऑफलाइन मोड था, वो ऑनलाइन मोड था पहले और अब जो है वो ऑफलाइन मोड है। तो ऑफलाइन मोड जो है ऑनलाइन मोड के मुकाबले काफी ज्यादा इजीएस्ट पड़ता है काफी सारे टीचर्स को और SOL यूनिवर्सिटी वालों को, क्योंकि उसमें कॉपी अरेंज करनी नहीं पड़ती, पोर्टल पे कॉपी अरेंज करनी पड़ती है। तो वहां पे रिजल्ट आपको देखने को मिलता था एक्सपेक्टेड 3 से 3 महीने 3.5 महीने के बाद, और यहाँ पर जो आपको रिजल्ट है ना अपना खुद का, तो अभी जो आपके एग्जाम हुए तो इसका रिजल्ट आपका आपको देखने को मिल जाएगा अगस्त के, जो नेक्स्ट मंथ आएगा अगस्त के लास्ट वीक से लेकर सितंबर के लास्ट वीक तक आपको रिजल्ट देखने को पूरे महीने के बीच में कभी भी मिल सकते हैं। कहने का मतलब है अगस्त का लास्ट वीक पकड़ लो और सितंबर का लास्ट वीक जो है पूरा सितंबर ले लो, आपके रिजल्ट इन्हीं के बीच में डिक्लेयर होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। अगस्त के लास्ट वीक में जो है वो ऑनर्स के रिजल्ट डिक्लेयर होंगे, पहले रेगुलर के और फिर आएंगे ऑनर्स के रिजल्ट, ऑनर्स कोर्सेज के, BCOM ऑनर्स हो गया या BA ऑनर्स हो गया, BA प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स हो गया, तो भाई इन सब के जो रिजल्ट है ना वो पहले आएंगे, ठीक है। और जो प्रोग्राम कोर्सेज के रिजल्ट है, आप लोगों को पता है प्रोग्राम के बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं, एक तो SOL के बच्चे रेगुलर के मुकाबले बहुत ज्यादा होते हैं, सेकंड चीज जो प्रोग्राम कोर्सेज के बच्चे हैं कम से कम मान लो 2-2.5 लाख बहुत ज्यादा है यार SOL के दो बच्चे, तो उनका रिजल्ट एक्सपेक्टेड मैं मानू तो 15 सितंबर के बाद ही एक्सपेक्ट करो। जो SOL के बच्चे हैं वो भी प्रोग्राम वाले, वो अपना 15 सितंबर के बाद ही सोच के बैठो रिजल्ट आएगा, इतना टाइम तो लगेगा यूनिवर्सिटी को चेक करने में, क्योंकि मैं पिछले अगर इतिहास या एक्सपीरियंस को उठा के देखूं तो भाई अभी तक 5-5, 6-6 महीने इन्होंने लिए हैं, तो अभी थोड़ा टाइम और लगेगा। तो मैं एक्चुअल डेट इसलिए नहीं बता रहा, इस पे वीडियो नहीं बना रहा था, क्योंकि एक्चुअल डेट किसी को नहीं पता कब आ जाए, हो सकता है इस महीने आ जाए, हो सकता है नेक्स्ट मंथ आए, तो शॉक हो जाए काफ़ी। तो इसलिए जब तक कोई डेट फाइनल नहीं होती अभी तक तो कुछ कह नहीं सकते, मैं एक्सपेक्टेड अप्रोक्स अपने हिसाब से बता रहा हूँ, जो मेरा अंदाजा है अगस्त के लास्ट वीक से लेकर सेप्टेम्बर के लास्ट वीक के बीच में आपके सारे कोर्सेज के रिजल्ट जो है वो देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आपके रिजल्ट अवेटेड है तो कब तक आएंगे। और हाँ एक चीज़ और, अगर किसी को लगता है कि कोई जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है उसमें वो रिजल्ट चाहिए उसको और वो अभी चाहिए उसको, अभी अर्जेंट है, तो भाई इन केस आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना होगा या फिर जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हो जहां आपको वो रिजल्ट चाहिए, जहां आपका सर्टिफिकेट देखने डिग्री मांग रहे हैं, वहां पे आपसे नोटिस लिखवाया, मतलब कि वहां पे आपको नोटिस लिखवाना पड़ेगा कि हमें इस स्टूडेंट का रिजल्ट चाहिए, अगर वो लिख के देंगे तो फिर यूनिवर्सिटी वालों के पास जाना पड़ेगा, वो नोटिस आपको जमा कराना पड़ेगा एक रीजन देके, तब आप अपना रिजल्ट निकलवा सकते हो अगर आपको अर्जेंट किसी काम के लिए चाहिए तो, ठीक है। वरना तो फिर भाई अभी आप रिजल्ट का वेट करो, रिजल्ट जैसे आएगा चैनल स्पेंड पे अपडेट कर देंगे सेमेस्टर फोर्थ और सिक्स का। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो में कुछ अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना, और अगर किसी का कोई डाउट है वो भी कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और अभी के लिए तो नहीं, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, सी यू, टाटा एंड बाय बाय।